हर गरीब आदिवासी के खून में एक नया क्रोध उभर रहा है और वो क्रोध बंदूक की नली से निकला। इज एक्चुअली बिजनेसमैन है, नक्सल तो नहीं है वो। और वो जाता है अपने दोस्त के लिए अंडरकवर, मनोज बाजपेयी को पकड़ने के लिए। एंड देन व्हाइल ही इज देयर यू सी व्हाट हैपेंस टू हिम, क्या बीतती है वो, क्या देखता है और अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाता है। प्यार भी हो जाता है इसको एक्चुअली, दैट्स द रीजन व्हाई ही स्टेज बिहाइंड। सी मेरे कैरेक्टर का नाम जूही है, जैसे सर बता रहे थे मैं एरिया कमांडर हूँ और पलक झपकते ही मैं किसी को भी मार डाल सकती हूँ। स्ट्रॉन्ग लड़की है, बहुत ही मोटिवेटेड है, कोई भी पेड़ की तरह है, कोई भी उसे हिला नहीं सकता है एक्सेप्ट समवन। जब तक हम अपन एक एक इंच जमीन से उनको खदेड़ नहीं दे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। 60 सालों से ये लोग धोखा देते हैं, मीठी बातें करके झूठे वादे करते हैं। लाल सलाम। देखिए ये तो जब अगर सुप्रीम कोर्ट हमें कहेगी कि आप नाम हटा दीजिए तो हम रख नहीं सकते, लॉ ऑफ लैंड है, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन हम अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट में हमारी जीत हुई, दिल्ली में हमको एडवर्स रिपोर्ट मिला, तो ये चलेगा, देखेंगे जो जैसा कोर्ट का आदेश होगा वो पालन किया जाएगा। चक्रव्यूह फिल्म जो है सिर्फ नक्सलिज्म नहीं है, नक्सलिज्म इसकी पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। नक्सलिज्म आइडियोलॉजी जो है, क्योंकि फिल्म जो है वो एक पूरी तरह से मुकम्मल कहानी नैरेटिव होती है, एक इंगेजिंग स्टोरी होती है। क्योंकि नक्सलिज्म के ऊपर में अगर 2.5 घंटे का लेक्चर हम देंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो दोस्तों में क्या पोजीशन होगी, क्योंकि क्या एक बड़े क्लासिक स्ट्रक्चर्स जो क्राइसिस उत्पन्न होती है रिलेशनशिप, बड़े क्लासिक स्ट्रक्चर बेकेट से ले जा सकती है, नमक राम उसके लिया हुआ है और भी है। हमारा थोड़ा एक अलग स्ट्रक्चर है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कहानी के अंदर में अंत अंत तक दोस्ती नहीं खत्म होती। महंगाई की महामारी ने हमरा बट्टा बिटा दिया, चले हटाने गरीबी गरीबों को हटा दिया, शरबत की तरह देश को, शरबत की तरह देश को घटका है घटाघट, आम आदमी की जेब खो गई है सभा झट, आम आदमी की जेब खो गई है सभा झट। भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना, भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। जय हिंद। अरे यार वो लाल सलाम सलाम करके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जय हिंद बोलो अंदर करने वाला हूँ मैं। जय हिंद, जय हिंद। ये देखो इसमें दम होता है।